सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द धीरज व्लॉग। भाई आज की वीडियो है R15। जैसे कि आपको पता है, देखो ड्यूक तो दिखने को नहीं मिल रही है, R15 है, R15 V3। इसके मैं आपको मॉडल दिखाऊंगा, इसके डाउन पेमेंट आपको कितना करना देने पड़ेगी, EMI के बारे में बताऊंगा, और आपको डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, इनका आपको नंबर मिल जाएगा, इनका मतलब कि कोटेशन का वो प्राइस लिस्ट जो भी है PDF में मिल जाएगा आपको, वहाँ पे से आप चेक कर सकते हो। आप अगर टेस्ट राइड चाहिए तो कॉन्टैक्ट कर लेना इनसे। मैं बाइक के बारे में भी बताऊंगा, एक्चुअली मैंने बाइक भी चला ली, मैंने कहा राइड रिव्यू भी दे दूँ, वरना मैं सिर्फ EMI वगैरह के लिए वीडियो बना रहा था, तो मैंने कहा आपको बताता हूँ बाइक कैसी है, अगर आप लेना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो बाइक कैसी है, तो पूरा आपको ओवरऑल हर चीज़ होगी इस वीडियो में आपको R15 V3 के बारे में। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगेगी, एंड अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, बहुत मेहनत लगी थी तो सब्सक्राइब करना, एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइस, ऐसा है कुछ शोरूम, आपको यहाँ पर स्कूटी बाइक सब देखने को मिल जाएगा आपको, मतलब कि जो भी इंटरेस्टेड हो आप उसमें आप इनको बता सकते हैं, टेस्ट राइड हो जाएगी आपकी। और एक्चुअली ये रही वो बाइक, एंड जो नॉर्मल मैंने राइड की थी वो थी रेड में R15 V3। सो ये कलर में मैंने करी थी, एंड ब्रांड न्यू बाइक मैंने राइड की थी। सो आपको अच्छी सर्विस मिलती है इनकी तरफ से, एंड ये खानपुर में है जो शोरूम है, एंड मैं इसको आपको डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, इसके बारे में सब चीज़ मिलेगी। एंड अब आपको शोरूम के बारे में बता दिया, अब थोड़ा बाइक के बारे में बता देता हूँ, और फिर EMI वगैरह हर चीज़ के बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट इम्प्रेशन अबाउट दिस बाइक की, ये लगता नहीं कि भाई ये थोड़ी बजट टाइप में बाइक है, मतलब 2 लाख के अंदर की, मतलब इतना अच्छा लुक है इस बाइक का। एंड इसमें आपको मिल जाएंगे रिएक्शन, आपको अगर चाहते हो ना कि एक रिएक्शन वाली भी मिल जाए, मतलब बाइक मिले मेरे को अच्छे खासे, मतलब लोग देखें कि हाँ यार अच्छी बाइक ले जा रहा है, तो आपको रियली मिल जाएंगे इसमें, और मेरे को भी मिले थे भाई वहाँ पर रिएक्शन में। सो बाइक बहुत अच्छी दिखती है, और एरोडायनामिक बाइक है, जानते हो इसमें जैसे RC है वैसी ये है, तो एक अच्छी पावर है। एंड पावर के बारे में और इंजन के बारे में अभी बात करता हूँ, बाकी डिज़ाइन में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बहुत ही अच्छी बाइक है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा इसका डिज़ाइन। एंड ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब चला सकता हूँ, ये आप लोगों को दिखाने के लिए कि बिना, फिर कुछ कहते हैं कि बिना उसके रिव्यू दे रहा है, तो इसीलिए चला लिया बाइक को, वरना मैं बिना उसके बता देता क्योंकि चला रखी है पहले। तो अब बात करते हैं भाई इसके इंजन की, जो मेन चीज़ होती है एक बाइक में बहुत ज़्यादा, तो इंजन भाई इसका बहुत ज़्यादा स्मूथ है, कोई वाइब्रेशन ऐसा फील नहीं हो रहा था मेरे को कि मतलब कि बाइक को मैं ज़्यादा RPM तक करूँगा तो वाइब्रेशन फील होगी। मैंने ट्राई किया था यहाँ पे से, मतलब कि अभी मैं दिखाऊंगा, अगर वहाँ पे मैंने ट्राई किया था और स्पीडोमीटर मतलब उसका जो स्पीड है वो बंद कर रखा था इन्होंने, तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी भाई, पूरी मतलब वाइब्रेशन नहीं है बाइक में, एकदम साइलेंटली चलते, सिर्फ एग्जॉस्ट की आवाज़ आएगी आपको, एग्जॉस्ट की वो मतलब वो तो आवाज़ आएगी मेनली, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इंजन इसका अच्छा है, एंड हीटिंग एक वो है इसमें, मतलब कि हीटिंग होती है कि नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हीटिंग का कुछ भी लेना देना नहीं है भाई इस बाइक से, बहुत ही कम होती है। एंड देखो जैसे मैंने जगह पे चलाई है वहाँ पे हीटिंग, और मेरी ड्यूक होती तो भाई Duke 250 तो भाई वो तो ऊपर से नीचे तक तंदूर बना देती है बंदे का, तो इसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
सो नेक्स्ट बात करते हैं भाई इसके सिटिंग पोस्चर की। तो आपको पता ही है आरसी वाला ही मतलब सिटिंग पोस्चर है। एंड एक चीज़ यह है कि थोड़ा सा रिलैक्स लगता है मेरे को, उससे मैंने आरसी 390 चलाई थी। थोड़ी सी क्लिप देख लो ये, ठीक है। सो इससे भाई वो मतलब R15 V3 थोड़ी सी ज़्यादा क्या बोलते हैं रिलैक्स है, मतलब पोस्चर थोड़ा सा मेरे को इतना ज़्यादा आगे लीन नहीं होना पड़ रहा। और मेन चीज़ है कि भाई सीट्स अच्छी है, उसकी सीट बहुत ज़्यादा पत्थर है भाई, और इसकी है पिलियन का मुझे पता नहीं। पिलियन की तो उसकी पत्थर है, वो तो देखने पे ही पता लग जाता है, उसकी जो कुशनिंग है वो देख के पता लग जाती है कि कैसी है। इसका पता नहीं भाई, क्योंकि मैं पीछे वाली सीट पे बैठा नहीं, मैंने आगे वाली सीट चेक की थी तो वो एकदम कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। भाई आप साहब पता भी नहीं अगर लगा लॉन्ग कि चाबी टूर होगी भी उसकी इस पे अंदर। करते हो, टूरिंग वगैरह करते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से जाना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। और अब बात करते हैं भाई ब्रेकिंग, क्योंकि ये ABS मॉडल था, ABS वाली बाइक थी, तो ब्रेकिंग कैसी थी। और ऊपर से देखो मैंने ट्रैफिक में चलाई है, तो कोई भी किधर से भी आ रहा है आपको जैसे वीडियो में दिख रहा है। स्पेशली मैंने यहाँ पे चलाई, मैं इनसे टेस्ट राइड बाहर भी रोड पे ले सकता था, बट मेनली भाई सिटी में ही चलाएगा बंदा, टूरिंग के लिए तो फिर तो कुछ है ही नहीं भाई। टूरिंग में तो ज़्यादा इतना उसका चक्कर ही नहीं होता ट्रैफिक का। सो भाई जो इनिशियली फीडबैक होता है ना बाइक में, वो मतलब कि इसका अच्छा है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा बहुत सुपर ब्रेकिंग है, ठीक है। मतलब कि मेरे को अगर मैं अपनी बाइक से कंपेयर कर लेता हूँ, ऐसे मैं ड्यूक को इसमें डालना नहीं चाहता, मैं पूरी एक सेपरेट बनाना चाहता हूँ R15 की। सो कंपेयर करता हूँ थोड़ा सा कि अगर वो नॉन ABS है, स्टिल उसका जो पंच है ना मतलब वो बाइक का वो बहुत ज़्यादा है। मतलब कुछ रोड कंडीशन में तब दिक्कत दे जाती है मेरी ड्यूक की ABS नहीं है, वरना उसका जो पंच है ना मतलब कि इनिशियल फीडबैक की हाँ बाइक रुक रही है आराम, बहुत आराम, जल्दी जल्दी, तो वो इसमें मेरे को इतना नहीं लगा। अच्छी है, ABS है कि व्हील लॉक नहीं होगा, ये बहुत अच्छा फीचर दिया है। बट ब्रेकिंग को मैं अगर 10 में से इसको 7 मार्क्स दूंगा, और अगर 390 वगैरह की अगर ड्यूक की अगर मैं कंपेयर करता हूँ, तो भाई उसकी तो ब्रेकिंग मैं 9 दूंगा, उसकी ABS बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं। बस यही है ना, प्राइस पॉइंट भी एक डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा हो गया। एंड अच्छी बाइक है भाई। तो हीटिंग के मैंने आपको बात बता दी, इंजन कैसा है इसका, राइडिंग पोस्चर कैसा है, एंड देखो इसकी माइलेज भी अच्छी खासी दे देती है एक ये। और सो भाई ये जो माइलेज है वो रफली मैं एक आइडिया लगा के बताया, मतलब यूट्यूब पे थोड़ी वीडियो देखी उस हिसाब से बताया, आपकी में भी ज़्यादा दे बाइक। एंड अब भाई अगर बाइक जैसे मैंने बाइक दे चलाई है ना, मैं ये नहीं कि शोरूम ने मेरे को टेस्ट राइड प्रोवाइड कराई है, बाइक एक्चुअली में मैंने वहाँ पे बोला था कि बाइक बहुत ज़्यादा स्मूथ है, पता नहीं लग रहा बाइक कितना कि वाइब्रेशन ही नहीं, हल्की फुल्की भी नहीं आ रही इसमें। तो बिल्कुल रिकमेंडेड है भाई, अगर जिनको नेकेड स्पोर्ट्स बाइक नहीं चाहिए, उनको फेयरिंग वाली चाहिए, तो ये बाइक बिल्कुल रिकमेंडेड है, मस्त बाइक है, बहुत ज़्यादा अच्छी बहुत दिखती है। ये तो इसका सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है कि इस प्राइस पॉइंट में बहुत ही अच्छी दिखने वाली बाइक है R15 V3। एंड अब बात कर लेते हैं भाई EMI डाउन पेमेंट कितना, क्योंकि बिना उसके कैसे लोगे क्या है, और बाकी सब डिस्क्रिप्शन में भी एक बार चेक कर लेना प्राइस के बारे में, इनका EMI वो पूरा वो जो भी है मैंने बनवाया था भाई, EMI आपको कितना पे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और अभी वहाँ पे जाके बात करते हैं। सो गाइज अब मैं इसके बाद आपकी इसकी EMI बता देता हूँ। तो अगर आप 55,200 पे करते हो डाउन पेमेंट, तो आपको अगर 12 मंथ की वो बना बताएंगे EMI, तो इसका आपको पे करना होगा 10,950 15 रुपीज़, ठीक है, 10,915 रुपये 12 महीने मतलब 1 साल भरना होगा। और अगर आप 18 महीने की करवाते हैं, तो आपको 7,695 रुपीज़ पर 18 मंथ्स के लिए पे करना होगा, और 24 मंथ्स मतलब कि ये 2 साल के लिए आपके हो गए 6,085 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो गया। एंड बाकी आपको 2 फोटो चाहिए इसमें, पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, और चेक चाहिए 2, और आपकी जो है ना, और लास्ट 3 मंथ्स के आपके बैंक स्टेटमेंट चाहिए, एंड एटलीस्ट आपके अकाउंट में 15,000 रुपीज़ आने चाहिए, आपकी इनकम वगैरह जो भी है 15,000 तो आनी ही चाहिए आपकी इनकम, ठीक है, उससे ज़्यादा आनी चाहिए मतलब, तभी आपको ये फाइनेंस होगा। और अब बात कर लेते हैं भाई ओवरऑल की क्या बाइक है, मतलब कि आपको लेनी चाहिए कि नहीं। अब तो मैंने सब बता दिया, देखो मैं पूरा कि बाइक बहुत अच्छी है, दिखती अच्छी है, चलती भी भाई बहुत अच्छी है, माइलेज भी बहुत अच्छी दे देती है, और इसका ज़्यादा खर्चा नहीं है, मतलब कि इसका जो बता रहे थे कि इसका वो है मेंटेनेंस वो ज़्यादा नहीं है, तो भाई ओवरऑल एक अच्छा पैकेज है और बहुत अच्छी दिखती है बाइक। ABS मिल रहा है आपको इस प्राइस पॉइंट में, तो बहुत ही अच्छा है। डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना एक बारी इसके बारे में कि मतलब मैंने इसके प्राइस का पूरा वो डाल दिया है लिस्ट वहाँ पर इसकी EMI की, अगर यहाँ पे आपको सही से नहीं समझ में आ रहा वहाँ पे से डाउनलोड कर लो, यहाँ पे से मैंने समझा दिया है, वहाँ पे से डाउनलोड कर लेना। एंड यही था इस वीडियो में,
और अगर कोई आपको बाइक के बारे में वो चाहिए ईएमआई वगैरह, तो भाई आप इनको कॉल भी कर सकते हो यामा की, तो आपको असिस्ट कर देंगे पूरा ये। एंड टेस्ट राइड चाहिए तो टेस्ट राइड खानपुर में ये शोरूम है, और नंबर वगैरह सब मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो यही था इस वीडियो में भाई, अगर आपको और कोई बाइक के बारे में जानना है कुछ भी ऐसा, तो मेरे को बताना, और कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना भाई बिना किसी दिक्कत के, मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। एंड यही था भाई, अच्छी लगी होगी वीडियो आपको, क्योंकि भाई वन ऑफ दी फेवरेट बाइक है मेरी, मतलब कि फेयरिंग, वैसे नेकेड स्पोर्ट्स बाइक मेरे को ज़्यादा पसंद है फेयरिंग से, बट अगर फेयरिंग वाली मैं बजट में देखूँ तो ये सबसे बेस्ट है। तो मैंने सोचा कि इसी के ऊपर बनाता हूँ, आपको ईएमआई वगैरह सब बताऊंगा इसके बारे में। तो होपफुली मैंने सारे पॉइंट कवर करे होंगे, अगर कुछ रह रखा होगा तो भाई प्लीज़ मुझे पूछ लेना, मैं उसमें कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करे बिना मत जाना भाई, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय।